हेलो एंड वेलकम गाइस, इस वीडियो में हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है, और ये रहे यूनरी ऑपरेटर्स, प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और साइज ऑफ। अच्छा, आपको अगर लग रहा होगा कि प्लस और माइनस को कैसे सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो साइंस है जिसे हम नंबर के आगे लगाते हैं, जैसे -1, -108, +22, ये सब नंबर्स। ये है वो प्लस एंड माइनस, आई मीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे 1++, एक्चुअली इसे 1++ नहीं पढ़ते, इसे पढ़ा जाता है इंक्रीमेंट ऑफ 1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अगर हमने किसी वेरिएबल के सामने ये साइन लगा दिया तो उसमें 1 से एडिशन हो जाती है, मतलब उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे प्रोग्राम देखिए, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें स्टोर किया है 10। मैंने यहाँ बोला है कि a की वैल्यू प्रिंट करा दो, a इज इक्वल टू % और % की जगह a की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। सो ये हमें मिला आउटपुट a = 10। सो ये तो हो गया एक एज यूजुअल नॉर्मल प्रोग्राम। अभी यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। यहाँ लिखते हैं a++, यानी इंक्रीमेंट ऑफ a। अभी a में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अभी a में क्या स्टोर है, अभी a में 11 स्टोर है। मतलब हम जब भी और जितने भी बार इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, तब तब उस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू में 1 ऐड होते जाएगा। जैसे ये देखिए, अभी इसमें 11 स्टोर है, मैंने फिर a का किया इंक्रीमेंट, अभी a में क्या स्टोर होगा, 12। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी कुछ ऐसे ही वर्क करते हैं। हम प्रोग्राम में जब भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे भी a की वैल्यू है 12, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a --, यानी डिक्रीमेंट ऑफ a, तो अभी क्या होगा, यहाँ तक a में 12 स्टोर था, अभी यहाँ डिक्रीमेंट हुआ इसीलिए a में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अभी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 11। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है। अभी क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के पहले लिखूं या वेरिएबल के बाद में लिखूं? जी हाँ, फर्क पड़ता है प्रायोरिटी का। सो व्हाट इज प्रायोरिटी। मैथमेटिक्स में हम जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे तो हम एक रूल को फॉलो करते थे जो कि था बॉड मास, मतलब पहले हमें ये सॉल्व करना है, बाद में ये सॉल्व करना है, वगैरह वगैरह। मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सारे के सारे ऑपरेटर अगर होंगे तो हम मैथमेटिक्स में सबसे पहले इस ऑपरेटर को सॉल्व करते थे, इसके बाद में इस ऑपरेटर को सॉल्व करते थे। सो ये है इनकी प्रायोरिटी कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा और क्या सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। बट गाइस, सी लैंग्वेज में हम बॉड मास रूल को फॉलो नहीं करते। मान लीजिए अगर सी लैंग्वेज में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो गाइस, इसके लिए एक रूल है, जैसे मैथमेटिक्स में बॉड मास का रूल होता है, वैसे सी लैंग्वेज में यह एक रूल होता है, UABRLCA। अभी ये क्या है, मतलब सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होंगे, उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद में बिटवाइज, उसके बाद में रिलेशनल, उसके बाद में लॉजिकल, उसके बाद में कंडीशनल, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा। सो गाइस, ये है प्रायोरिटी कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा। अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ a एंड b। a में मैंने 10 असाइन कर दिया और नीचे आकर मैं लिखता हूँ b = a++, और यहाँ प्रिंटफ में a = %d, और यहाँ लिखेंगे b = %d। पहले वाले % की जगह a की वैल्यू और दूसरे वाले की जगह b की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ओके, आप अपना आंसर रेडी कर लीजिए कि आंसर क्या आने वाला है। लेट्स गो, कंपाइल एंड रन, एंड आंसर इज दिस। ये वो आंसर नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। आपने सोचा होगा कि a = 11 एंड b = 11 ही आएगा, बट यार ऐसा नहीं हुआ। अभी ऐसा क्यों हुआ, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसे एक कंप्लीट एक्सप्रेशन के जैसे देखिए। ये भी एक ऑपरेटर है और ये भी एक ऑपरेटर है, और इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले सॉल्व हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब पहले b में a की वैल्यू स्टोर हो गई, उसके बाद a में इंक्रीमेंट हुआ। अगर इंक्रीमेंट यह साइन वेरिएबल के बाद में लगा हो तो उसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये साइन अगर पहले लगा हो तो उसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। और जब भी हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तब पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम रहेगी। एक्सप्रेशन में मौजूद बाकी सारे ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होंगे, उसके बाद सॉल्व होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। अगर मैं इसे पहले लिखूंगा यानी प्री इंक्रीमेंट का यूज करूंगा, तब सबसे पहले सॉल्व होगा ये, यानी a की वैल्यू सबसे पहले असाइन हो जाएगी 11, उसके बाद में b में a की वैल्यू असाइन होगी। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी होगा। प्री डिक्रीमेंट होगा तो सबसे पहले 1 से डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद b में a की वैल्यू असाइन होगी। और पोस्ट डिक्रीमेंट होगा तो सबसे पहले b में a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि है 10, उसके बाद a की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। आई होप गाइज, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है और कौन सा पहले सॉल्व होना चाहिए। वंस अगेन, पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले सॉल्व होगा।
पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सभी ऑपरेटर से कम होती है, प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। बट भाई आई हैव अ डाउट, आपने अभी अभी कुछ देर पहले बोला कि यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। हाँ बोला था, बट पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है तो यूनरी ऑपरेटर ही, फिर भी इसको सबसे लास्ट क्यों सॉल्व करना है जबकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। ओके ओके आई विल एक्सप्लेन इट। और हमने जाना था कि यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये सारे के सारे ऑपरेटर्स। बट गाइस, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट एक एक्सेप्शन है, इन दोनों की प्रायोरिटी सबसे कम है। प्लीज रिमेम्बर, ये एक एक्सेप्शन है, इनकी प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम है, और ये एक ध्यान रखने वाली बात है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली ये है, इनकी प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होने के कारण सबसे पहले सॉल्व हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद सॉल्व हुआ पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात, यूनरी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये सारे के सारे ऑपरेटर्स, लेकिन यूनरी ऑपरेटर्स के ये दो ऑपरेटर्स एक्सेप्शन है, मतलब इनकी प्रायोरिटी सबसे कम है। ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है आपको। एक ऑपरेटर और है साइज ऑफ। साइज ऑफ इस ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल, डेटा टाइप या फिर कांस्टेंट, इन सब की साइज पता करने के लिए कि भाई ये सब चीजें रैम में कितनी जगह लेगी। बट वेट, वीडियो ऑलरेडी 6 मिनट का हो चुका है, हम साइज ऑफ इस ऑपरेटर को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट है यूनरी ऑपरेटर को लेकर तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यूनरी ऑपरेटर समझ आ गया होगा तो हिट द लाइक बटन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर डिसलाइक। एनीवेज, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।